आप सभी को नमस्ते एंड वेलकम टू ओवोमनिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने यानी कि सेवेंथ मंथ के बारे में। हम जानेंगे कि इस महीने आपके शरीर में क्या क्या नए बदलाव होने वाले हैं, सातवें महीने के विशेष लक्षण क्या हैं, इस महीने बच्चे के विकास और आकार का क्या हाल है और आपको अपनी देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। साथ ही हम इस महीने डॉक्टर्स द्वारा किए जाने वाले सभी स्कैन और टेस्ट की भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के सातवें महीने से ही आपकी तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब डिलीवरी का समय नज़दीक है और शिशु का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस महीने दिखाई देने वाले कुछ सबसे प्रमुख लक्षणों या सिम्टम्स के बारे में। ब्रैक्सटन हिक्स, जैसे जैसे आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आती जाएगी आपको अपने यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे यानी कि संकुचन। ये 30 सेकंड से एक मिनट तक रह सकते हैं। इन्हें फॉल्स लेबर भी कहा जाता है। इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपकी डिलीवरी होने वाली है लेकिन ये कुछ समय तक होके फिर रुक जाएंगे। अगर आपको ब्रैक्सटन हिक्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी की पोजीशन बदल लें, यानी कि अगर आप खड़ी हैं तो बैठ जाएं या लेट जाएं, या आप बैठी हैं तो खड़ी हो जाएं। ऐसा करने से कुछ ही देर में आपको ब्रैक्सटन हिक्स से आराम मिल जाएगा। सातवें महीने का अगला सिम्टम है बढ़ा हुआ वजाइनल डिस्चार्ज। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में वजाइना से डिस्चार्ज होना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये डिस्चार्ज भी बढ़ता जाता है। पर अगर आपके डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ऐसे में आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रेमेस्टर में ब्रेस्ट डिस्चार्ज भी होता है, क्योंकि इस समय तक आपके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और कभी कभी यह गाढ़े और पीले रंग के पदार्थ के रूप में डिस्चार्ज होता है, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है। और धीरे धीरे ये गाढ़ा और पीले रंग का कोलोस्ट्रम एकदम कलरलेस हो जाता है और ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। हालांकि ऐसा सभी महिलाओं में नहीं होता। थर्ड ट्राइमेस्टर का अगला और मेन सिम्टम है इनडाइजेशन। ऐसे में आपको एसिडिटी, गैस बनना, इस तरह की कई समस्याएं हो सकती हैं, जिसका कारण ये है कि अब आपके बेबी का साइज बढ़ता जा रहा है और इस कारण आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पर प्रेशर आ रहा है और आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। आइए अब जानते हैं इस महीने आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो आपका वजन अब तक काफ़ी बढ़ चुका होगा। प्रेगनेंसी में सातवें महीने तक आते आते 5 से 8 किलो तक वजन बढ़ जाना एक बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा अब आपके पेट का आकार भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि आपके बच्चे का आकार तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स भी दिखाई देने लगेंगे। प्रेगनेंसी के सातवें महीने तक आपका जो यूट्रस है वो आपकी नाभि के ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपके लंग्स पर प्रेशर बना रहता है। इसी के साथ इस महीने आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाएगा और आपके निपल के आसपास का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। ऐसा मिल्क प्रोडक्शन के कारण होता है। इस समय आपको चलने और झुकने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब आपके पेट का आकार बहुत बढ़ गया है। इसी के साथ आपके शरीर में सूजन भी आ सकती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसा बॉडी में तेज हो रहे ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है। इसी के साथ आपके पैरों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे का साइज बढ़ रहा है और ये आपके ऑर्गन्स पर प्रेशर डाल रहा है। आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपके बच्चे में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सातवें महीने तक आते आते बच्चे का आधे से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अब सिर्फ उसका वज़न बढ़ रहा है और उसके ब्रेन और लंग्स के फंक्शंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस समय तक आपका बच्चा बाहर की आवाज़ों पर रिएक्शंस भी देता है, अंगड़ाइयाँ भी लेता है और जम्हाइयाँ भी लेता है, यानी कि यॉनिंग भी करता है। इस महीने तक शिशु की पलकें भी बन जाती हैं और आईब्रोज भी पूरी तरह डेवलप हो जाती हैं। अब बच्चा अपनी आंखें भी खोल और बंद कर सकता है। इसके अलावा अब आपके शिशु की लंबाई लगभग 14 इंच हो चुकी है और उसका वज़न लगभग 1 किलो के आसपास है। आइए अब जानते हैं कि आपको इस महीने खान पान की किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप क्या खा रही हैं इसका सीधा सीधा असर आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर पड़ता है। इसीलिए आप अपने खाने में भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, ताज़े फल, ढेर सारे लिक्विड्स और एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी को ज़रूर शामिल करें।
पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालता ही है, लेकिन पानी की कमी या डिहाइड्रेशन बहुत सारी मुसीबतों को जन्म देती है। इसके अलावा आपकी डाइट में दूध यानी कि कैल्शियम का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट लें ताकि आपका बेबी हेल्दी हो। आइए जानते हैं इस महीने डॉक्टर आपके कौन कौन से टेस्ट्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके रूटीन चेकअप में डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर और वेट मेजर करेंगे। उसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज या ऐसी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर आपका रूटीन अल्ट्रासाउंड भी करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं। इस महीने आपका फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी किया जाएगा यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन की जांच भी की जाएगी। इसके साथ ही बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट और CST भी किया जा सकता है। CST को कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। इससे भी डॉक्टर यही पता लगाते हैं कि बच्चे का दिल उसकी जेस्टेशनल एज के हिसाब से सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। आइए अब उन सिम्टम्स की बात करते हैं जो नज़र आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहला है ब्लीडिंग। अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इससे आपको प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। अगला सिम्टम है पेट में जोर से दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में हल्का फुल्का दर्द होना एक बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपके पेट में अचानक से तेज दर्द होने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगला सिम्टम है बार बार होने वाले ब्रैक्सटन हिक्स। अगर आपको एक घंटे में 2 से 3 बार ब्रैक्सटन हिक्स होते हैं, जिसे फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन अगर आपको 4 बार से ज़्यादा ब्रैक्सटन हिक्स हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक घंटे में 4 बार से ज़्यादा ब्रैक्सटन हिक्स होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगला सिम्टम है बार बार उल्टियाँ होना। वैसे तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में उल्टियां होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियां हो रही हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसका एक मेन कारण डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी हो सकता है। इसके अलावा आपके बॉडी के किसी और ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर। तो अगर आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इस महीने आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हल्के फुल्के व्यायाम को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ही नहीं आपकी मेंटल फ़िटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी का आखिरी ट्राइमेस्टर है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपकी बॉडी को कोई स्ट्रेस ना मिले। आप चाहें तो हल्की फुल्की सैर या स्विमिंग या अनुलोम विलोम जैसे व्यायाम कर सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह के मेडिकल इश्यूज रहे हैं या हो रहे हैं तो आप कुछ भी नई एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इन सब बातों के अलावा आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस समय हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, देखें और सुनें, क्योंकि आप जो भी सुन रही हैं और महसूस कर रही हैं वही आपका बच्चा भी सुन और महसूस कर रहा है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखें और सुनें और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। अपने पार्टनर के साथ और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करें। बेबी होने के बाद आपके ऊपर एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और आपको शायद कुछ महीनों या कुछ सालों तक अपने लिए समय नहीं मिलेगा, इसीलिए इस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह ये कि अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप्स के लिए ज़रूर जाएं। अपना कोई भी रूटीन चेकअप मिस ना करें। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या डाउट है तो अपने डॉक्टर को बिना हेजिटेशन के बताएं और आपके डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं उसका पूरी सख्ती से पालन करें। इस समय की गई आपकी ज़रा सी भी लापरवाही आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए केयरफुल रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपकी प्रेगनेंसी के अगले महीने यानी कि 8वें महीने की विस्तृत जानकारी के साथ। अगर आपके मन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर करें, वहाँ इससे रिलेटेड कई वीडियोज़ हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल और सुझाव हमें दे सकते हैं।